दतिया अभिभाषक संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्टरेट कार्यालय के बाहर जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष राम सहाय छिरोलिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वकीलों की लंबे समय से मांग थी कि नई दतिया कलेक्टर की बिल्डिंग में बना तहसील और एसडीएम कार्यालय को पुरानी कलेक्टरेट में यथावत रखी जाए। इस मांग को लेकर वह धरना दे रहे हैं। इस मामले में वकील कई बार दतिया कलेक्टर सहित कई अधिकारी मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं। वकीलों का कहना है कि न्यायालय से कलेक्टर काफी दूर है, जिससे जहां वकीलों और आम नागरिकों को परेशान होना पड़ता है। है कि हम यहां से एसडीएम और तहसील न्यायालयों को पुराने भवन में शिफ्ट कराना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारी और 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिनका हम ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दे चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम भी भेज चुके हैं, प्रभारी मंत्री जी को दे चुके हैं, लेकिन हमारे उस ज्ञापन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की हमने जो घोषणा की थी, ये द्वितीय चरण में हमारा ये धरना, सांकेतिक धरना 2 घंटे का यहाँ नवीन कलेक्ट्रेट भवन में आज रखा गया। एसडीएम का कहना था कि आप लोग यहाँ इकट्ठे होकर बैठ नहीं सकते। हमने उन्हें कानून की भाषा समझाई और बताया कि हम लोग एडवोकेट्स हैं, इस बिल्डिंग में हमारा भी बैठने का और चलने फिरने का उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। हम यहाँ कोई प्रदर्शन या भाषणबाजी करने नहीं आए हैं, सांकेतिक धरना देने आए हैं। एसडीएम साहब हमारी बात से संतुष्ट हुए और हमें बैठने की अनुमति मिली। आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, आज ये धरना प्रदर्शन है, इसके बाद हम एक नगर के बुद्ध समृद्ध लोगों की, बुद्धिजीवियों की, पत्रकारों के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें ये जन समस्याएं जितनी हैं, जो जनता को परेशानियां हैं, इसके बारे में विचार विमर्श करके आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय करें। दतिया से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।